Audio Jungle. अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज खान और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सहर जिंदगी। आज हम मौजूद हैं मियांवाली पाईखेल शहर में। यहां पर आज हम जो इमारत आपको दिखाने वाले हैं, आज से कुछ 130 साल पहले तामीर हुई थी और आज भी ज़ेरे इस्तेमाल है। ये पाईखेल रेलवे स्टेशन है, इसकी तामीर 1888 में शुरू हुई और 1890 के आखिर में मुकम्मल हुई। 18 मार्च 1892 इस स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया गया था और इफ्तिताह तब किया गया जब माल बरदार ट्रेनें शुरू की गई और उस वक्त इस स्टेशन की इमारत में दस्ते और घोड़े तैनात थे। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, ये है इमारत का बैरूनी सीन। बाहर से आप देख चुके हैं इमारत, सारा कुछ आपके सामने है। अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर आपको विजिट कराते हैं। आए जी, आपको अंदर से विजिट कराते हैं। ये जी है स्टेशन का मेन डोर, मेन दरवाज़ा, ये आप अंदर देख सकते हैं। अमला की बाइक खड़ी हैं, ये सीढ़ियां यहाँ पर उसी वक्त की मौजूद हैं और आप दरवाज़ा देख सकते हैं, क्या शाहकार दरवाज़ा बनाया गया है, तैयार किया गया है मज़बूत दरवाज़ा। यहाँ पर टिकट घर और ये नरखनामा मौजूद है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं और यहाँ पर सेफ्टी के लिए जंगले बनाए गए हैं। यहाँ पर ऊपर चढ़कर ये इमारत की ऊपरले हिस्से पर पहुँचा जाता है, मतलब उस वक्त सिक्योरिटी के लिए ये काम किया जाता था। अब आप बाहर का नज़ारा कर सकते हैं, ये आप देखें कि एक घर सा माहौल आ रहा है। ये ऊपर छत की सीढ़ियाँ नीचे आ रही हैं, ये मतलब यहाँ से नीचे से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। ये भी रूम बना हुआ है, ये रूम है, ओल्ड इमारत है इसलिए इसकी थोड़ी हालत ठीक नहीं है। आपको मैं पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि 130 साल पुरानी इमारत है, लेकिन अभी भी आज भी ये मज़बूती से खड़ी हुई है। दरवाज़े वही हैं, ये देखें दीवारें, बिल्कुल सारा कुछ वही है। यहाँ बाहर आप देख सकते हैं प्लांट्स और दरख्त, ये सारी खूबसूरती के लिए लगाए गए हैं। ये ट्रैक, ये स्टेशन कयाम पाकिस्तान से पहले इस खित्ते में रेलवे का पूरा निज़ाम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के नाम से जाना जाता था और आज़ादी के बाद यही नाम 1961 तक इस्तेमाल होता रहा। ताहम 1961 में इसे पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे और मई 1974 में पाकिस्तान रेलवे कर दिया। दोस्तों, ये ट्रैक, ये प्लेटफॉर्म आपके सामने मौजूद है और इसका बुर्ज, इस इमारत को किला नुमा बनाया गया है और इसकी शोहरत की वजह भी यही है। और इसको किला नुमा इसलिए बनाया गया है कि जब माल बरदार ट्रेनें शुरू हुई थी तो उसमें अनाज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था और अनाज की लूटमार की जाती थी, कुछ यहाँ पर चोर डाकू लूटमार करते थे, उसके लिए इसको किला नुमा बनाया गया और उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे सिपाही तैनात हुआ करते थे। अब हम मौजूद हैं इस स्टेशन की दूसरी जानिब और सिंध सागर रेलवे लाइन 1892 में मुकम्मल हुई थी जबकि बन्नू से कालाबाग लाइन 1913 में खोली गई थी। ज़िला मियांवाली में रेलवे लाइन की कुल लंबाई 237 किलोमीटर है। मुल्तान रावलपिंडी रेलवे लाइन की तामीर
1886 में शुरू हुई। ट्रैक पर पाईखेल रेलवे स्टेशन की तामीर 1888 में हुई और 1890 के आखिर में मुकम्मल हुई। रेलवे स्टेशन पर दो अमले को मुसलमान और हिंदू मुसाफिरों को पानी फराहम करने के लिए मुकर्रर किया गया था। आज भी तमाम रेलवे स्टेशनों पर वाटरमैन की पोस्ट बरकरार है। दोस्तों, हमने कुछ देर पहले आपको स्टेशन के व्यू दिखाया था और स्टेशन का मकसद बताया था। अब जो है ये लिंक ट्रैक जो है ये व्यू और इसका मकसद हम आपको बताते हैं कि ये ट्रैक यहाँ से सीधा सवांस की पहाड़ियों में जाता है और इन पहाड़ियों में सिर्फ इस ट्रैक को कारोबारी मकसद के लिए बनाया गया था। वहाँ पर माइनिंग की जाती थी, माइनिंग करके वहाँ से कुछ मादनियात और पत्थर लेकर यहाँ आया जाता था और यहाँ से बाहर के शहरों में इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। आप पीछे देख सकते हैं अभी पत्थर मौजूद हैं और ये अभी तक दरियाए सिंध की सेफ्टी बेल्ट्स बनाने के लिए अभी तक इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस ट्रैक को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले तक इसको इस्तेमाल किया जाता था और अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसको मुनहदिम कर दिया गया है। दोस्तों, ये आज की वीडियो मियांवाली पाईखेल स्टेशन की थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि बर वक्त आप तक वीडियो पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।